लाहौर से खबर शामिल करती है, जहां पर चेयरपर्सन प्रेस्बिटेरियन एजुकेशन बोर्ड मैगी ट्रैम्बल की क्यादत में साथ रखने वफ्द ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। मंगल को होने वाली इस मुलाकात में वफ्द ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को प्रेस्बिटेरियन एजुकेशन बोर्ड के अगराज व मकासद और मामला से आगाह किया। आईजी पंजाब ने कहा कि पंजाब पुलिस मसीही बरादरी गिरजाघरों और मसीही तालीमी इदारों को भरपूर सिक्योरिटी फ्राहम कर रही है। पंजाब भर में मसीही बरादरी समेत अकलियतों के मसाइल के हल और बैन मजहब हम आहंगी के फरोग के लिए मिसाक सेंटर्स कायम किए हैं। प्रेस्बिटेरियन वफ्द ने मसीही बरादरी को सिक्योरिटी की फ्राहमी और मिसाइल के हल के लिए पंजाब पुलिस की काविशों को सराहा। मैगी ट्रैम्बल का कहना था कि प्रेस्बिटेरियन एजुकेशन बोर्ड के जेर एहतमाम पंजाब भर में 25 स्कूल्स खिदमात फ्राहम कर रहे हैं। तर्जमान के मुताबिक वफ्द में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान पादरी डॉक्टर मजीद एबल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेस्बिटेरियन एजुकेशन बोर्ड वेदा जवेद और दीगर अरकान शामिल थे। एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब शहजादा सुल्तान और एसएसपी शुएब महमूद समेत दीगर सीनियर पुलिस अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे।